चिकन करो दादा, चिकन करो। ये आयरा आयरा आयरा, वाओ वाओ वाओ। दोबारा तो दादू को दोबारा थोड़ा, दादू को दोबारा। ये गुड गुड, वाओ वाओ वाओ। नाइस, ये देखो जाकर दादा दोबारा मेखा। अस्सलाम वालेकुम, आज मामू के घर आ गए हैं मुलाद पर। और आप जैसा कि आपने देखा कि मामू और नानी माँ माशाल्लाह से बड़े अच्छे और प्यारे मूड में बैठे हैं मेहमानों को वेलकम कहने के लिए। और मामू माशाल्लाह बहुत ही मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत, लाजवाब मोहब्बत है उनकी अपनी माँ जान से कि इसकी कोई मिसाल नहीं है। और ये बेशक उनकी माँ की खिदमत और जो माँ के साथ मोहब्बत है और अपनी बहन और बेटियों के, बहनों के साथ, बेटियों के साथ बहुत ही प्यार है इनका। और ये इनका खूबसूरत सा आलीशान घर, और यहाँ पे बड़ी प्यारी सी अभी महफिल जमेगी जो मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा सा क्लिप शेयर करूँगी। ये इनका खूबसूरत सा ड्राइंग रूम है और बड़ा ही खूबसूरत सजाया हुआ था, इसकी हर चीज़ बड़ी नफासत और तरीके के साथ रखी थी। खूबसूरत कंसोल जो आप देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत से इसके ऊपर डेकोरेशन वगैरह रखे हुए थे। और सारा घर ही माशाल्लाह इनका बहुत खूबसूरत, और अल्लाह का मैं कहती हूँ कि इन पे ख़ास करम है। और ये सब इनकी माँ की खिदमत और जो दिली हमदर्दी जो ये इनको सबके साथ है, बेटियों के साथ, बहनों के साथ, और हर बहाने से ये अपने घर में अक्सर कोई ना कोई जो है वो दावत और अहतमाम करते हैं उनको बुलाने के लिए कि सब आएँ और मिलकर बैठें। और ये देखें प्यारे प्यारे से डेकोरेशन में आपको उनके दिखा रही हूँ। ड्राइंग रूम उनका बड़ा ही शानदार और बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था, और जो बड़े तरीके और बड़े ही सलीके के साथ सजाया गया। और बेशक ये खूबसूरत घर में उस औरत की जो उस घर को मैनेज कर रही होती है, उसका सुगड़पन और उसकी वो सब जो है वो झलक रही होती है कि यह नफासत और तरीके से। और किचन जी माशाल्लाह इनका किचन बहुत ही खूबसूरत, और सबसे अच्छी बात वो एसी था जो मैं देख के बड़ी वो खुश हो रही थी कि ये दुनिया का ये वादी किचन होना है जहाँ पे गर्मियों में भी गर्मी नहीं होगी। और यहाँ पे फिर इस तरफ इनका डाइनिंग रूम था, मैं लाइट्स ऑन करके आपको दिखाती हूँ कि इनका जो ये इधर बर्तनों का जो ये पूरी दीवार के साथ ये यहाँ पे शोकेस बड़ा शानदार सा बना हुआ है, और मुख्तलिफ मुल्कों से और मुख्तलिफ जगहों से बड़े खूबसूरत बर्तन इन्होंने इसमें सजाए हुए हैं। और ये डाइनिंग रूम बड़ा ही प्यारा लगता है इनका। सारा घर ही मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत है, और किसी दिन मैं इंशाल्लाह कंप्लीट और बड़ा पुरसकून सा इसका सारा हाउस टूर आपको करवाऊँगी। और इधर फिर ये ड्राइंग रूम आ जाता है इनका, जिधर मगरिब की नमाज़ पढ़ी हमने, और उसके बाद फिर मिलाद शरीफ की महफिल शुरू हो गई थी। ये टीवी लॉन्च भी बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। माशाल्लाह से घर की खूबसूरती और घर की डेकोरेशन से पता चलता है कि औरतें कितनी सलीकामंद और कितनी की वो हैं इस घर में। अपनी मोहब्बत और खलूस औरतों का झलकता है उस घर की डेकोरेशन और उस घर की खूबसूरती जो सारी नज़र आ रही होती है, सलीकामंदी भी नज़र आ रही होती है। हाउस वाइफ जो है इस घर की, जो हम लोग हैं, हम जो सारा दिन अपने घरों को सजाते संवारते हैं, तो इससे हमारा सलीका झलकता है। और ये सब इस तरफ मैंने आपको नानी माँ का रूम दिखाया है, और इस तरफ इनका ये किचन है लॉन्च के, माशाल्लाह बड़ा खुला लॉन्च है। नानी माँ से आपसे मिलवाती हूँ दोबारा, लेट गई हैं, और अल्लाह ताला इन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। और इनकी इतनी खिदमत और फूलों की तरह इन्होंने अपनी माँ को रखा हुआ है, और अल्लाह पाक ने शायद इसी सदके अपने सोने नबी का सदका है इस घर में बड़ी बहारें और बड़ी ही जो अपनी रहमतें नाजिल की हुई हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुझे याद आ जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया
कि मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा होता, इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती मोहम्मद, और मैं नमाज़ तोड़ के उनकी बात सुनता। तो अल्लाह करे कि हमारी औलाद भी और हमें भी अल्लाह इतनी तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और उनको इसी तरह प्यार और मोहब्बत के साथ उनके बुढ़ापे को, उनकी जो ये वाली मंजिल है उसको आसान करने में उनका साथ दें। और ये नानीमा और नाना अबू की जवानी की कितनी खूबसूरत सी यादगार तस्वीर है जो उनके कमरे में लगी हुई है। माशाल्लाह यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत लग रही है नानीमा, और नाना अबू की बड़ी पर्सनैलिटी थी। और इधर नानीमा ये दे, और बाहर बड़ा खूबसूरत सा लॉन सजाया गया है महफिल के लिए। सारे घर को लाइटों से सजाया गया और बड़े खूबसूरत फूल उन्होंने अपनी इस जगह पे लगा के झूले को जो स्टेज के तौर पे बनाया गया था, और यहाँ पे नातों के गुलदस्ते पेश किए गए। अल्लाह इनकी इस काविश को कबूल करे और हमें भी तौफीक दे कि हम भी अपने नबी की महफिल अपने घर में सजाएँ। और मामी को बहुत अकीदत और बहुत शौक़ के साथ ये महफिल हर साल सजाती हैं अपने घर में। अल्लाह ताला कबूल करे अपने नबी की राह में, और हमें भी ये महफिलें सजाने की तौफीक दे। कुरान खानी के बाद यहाँ पे मिलाद मुस्तफ़ा शुरू हो गया था। खाना भी बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। लैंड के इस लंगर में भी हद्दो हिसाब बरकत दे। और अब जो थोड़ी देर तक इशा के बाद जो है ना वो मिलाद शरीफ शुरू हो गया था। ये इस तरफ मैं आपको खाने की टेबल्स दिखा रही हूँ जो इन्होंने एक साइड पे बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, और सिर्फ लेडीज़ ही थी इस मिलाद में, और कोई इसमें वो जेंट्स वगैरह नहीं थे, इसलिए घर के अंदर इन्होंने पर्दे में रहकर ये सारा इस्तेमाल किया हुआ था। तो आई हूँ बाप को मैं दिखाती हूँ कि महफिल मिलाद स्टार्ट हो चुकी है और महफिल जो आ चुकी हैं। अल्लाह हमारी भी जो इस हाजिरी को कबूल करे और आने जाने वालों के लिए अल्लाह इसमें जज़ा खैर दे। अपने दामन को भर कर।
वही नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।